हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन को रीड करिए भाई। द सेचुरेशन वोल्टेज ऑफ आइडियल ओप एम शोन बिलो इज प्लस माइनस 10 वोल्ट। द आउटपुट वोल्टेज वी नॉट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इन द स्टेडी स्टेट इज। तो आउटपुट वोल्टेज आपने निकालनी है। ठीक है, और आप देख सकते हो भी अजय आपके पास कौन सा सर्किट गिवन है। ये ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का स्टैंडर्ड सर्किट गिवन है, जो आपने पिछले लेक्चर में देखा था। मल्टी वाइब्रेटर, और आपको ये भी क्लियर है जो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है इसकी कौन सी वेवफॉर्म बनती है राजी, स्क्वायर वेवफॉर्म बनती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यहां से क्लियर हो गया है कि या तो आपका ऑप्शन ए होगा या फिर सी होगा। ठीक है, बी और डी तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आपने टाइम कांस्टेंट निकालना इसका कि आपका टाइम पीरियड क्या होगा स्क्वायर वेवफॉर्म का। ठीक है, तो टाइम पीरियड आपने स्टैंडर्ड निकाल लिया था राजी, दैट इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ आर इंटू सी एल एन वन माइनस बीटा डिवाइड बाई वन प्लस बीटा। एक बार भाई चेक कर लो आपने क्या फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, वन माइनस ऊपर था या वन प्लस नीचे था। ठीक है, अदरवाइज आपको मैंने डेरिवेशन तो बता ही रखी है। ठीक है, उस डेरिवेशन का यूज करके भी हम निकाल सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। करेक्ट हुई इतनी बात, बोलो। हाँ जी, हो जाएगा। ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऊपर आपके पास वही वन प्लस बीटा होता है, नीचे आपके पास वन माइनस बीटा होता है। ठीक है, तो बीटा आपका कहाँ से निकलेगा, जो वी एफ जो वाली वोल्टेज होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल देंगे बीटा, इसको हम आर वन अज्यूम कर लेंगे, इसको क्या अज्यूम कर लेंगे आर टू। तो क्या आंसर आएगा, आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू, तो दोनों सेम है राजी, तो टू डिवाइड बाई टू प्लस टू दैट इज इक्वल टू वन बाई टू। तो बीटा तो आ गया मेरे पास वन बाई टू। आर सी कौन सा होगा, आर जे होगा और सी होगा, क्योंकि जे ही आपके पास इक्वेशन बनी थी ना जिसके थ्रू आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। तो टाइम कॉन्स्टेंट टाउ दैट इज आर इंटू सी दैट इज इक्वल टू, हाँ जी कितना, 0.25 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 1 इंटू 10 पावर प्लस 3। तो टॉ की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे, जल्दी से बताओ, 0.25 इंटू 10 पावर माइनस 3। ठीक है, ये चीज आपके पास बच जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू, हाँ जी ये कितना आया टॉ, 0.5 0.25 इंटू 10 पावर माइनस 3 एल एन 1 प्लस 1 बाई 2 1 माइनस 1 बाई 2। ओके, तो 2 इंटू 0.25 आंसर आपका मिली सेकेंड में है ना, तो इसका मतलब इसका तो हम बना देंगे राजी मिली मिली सेकेंड, राइट। तो एल एन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 बाई 2 नीचे 1 बाई 2, तो कैंसिल हो जाएगा। एल एन 3 की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल एन 3 दैट इज 1.029, ये आ जाएगा 0.5 इंटू 1.09 मिली सेकेंड। ठीक है, तो इसका हाफ कर दो भाई, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 0.549। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिख लेंगे, 0.55 मिली सेकेंड। ठीक है, तो स्क्वायर वेवफॉर्म बनेगी जिसका टाइम पीरियड कितना होगा राजी, 0.5 मिली सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन डी आपका रॉन्ग हो जाएगा राजी, सॉरी ऑप्शन सी आपका, जी तो डी तो पहले ही रॉन्ग था ना, क्योंकि स्क्वायर वेवफॉर्म होती है आपको पता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टैंडर्ड सर्किट आपके पास आ गया था भाई। ठीक है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की इसके अंदर जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए सेकंड क्वेश्चन रीड करिए जल्दी से। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है आपके पास, द अप्रोक्सीमेट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सर्किट शोन बिलो विद एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर वेयर डायोड विल बी। ठीक है, तो डायोड आपके पास वही साथ है, तो डायोड की वोल्टेज ये वी ऑफ ए ले लें। ठीक है, या मेरे पास बी इनपुट फॉर पॉजिटिव साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं पॉजिटिव साइकिल की बात करूँ, ठीक है, फॉर पॉजिटिव साइकिल, चलो नीचे करते हैं भाई, नंबर वन फॉर पॉजिटिव साइकिल जो मेरी वी इनपुट है वो मोर देन जीरो हो जाएगी, मीन जो मेरी वी ऑफ ए है दैट इज मोर देन जीरो। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव इन्वर्टिंग टर्मिनल की वोल्टेज है। ठीक है, अगर ये मोर देन पॉजिटिव जीरो होगी तो इसका मतलब जो मेरे पास डायोड डी है राजे वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, ऑन क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगी, पी को पॉजिटिव मिल गया मीन्स डायोड ऑन हो जाएगा। ठीक है, डायोड ऑन होने के साथ ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो आउटपुट वोल्टेज जस्ट क्या आ जाएगी आपके पास, V नॉट इज इक्वल टू V इनपुट आ जाएगी। ठीक है, दिस इज नंबर टू। अगर मैं फोर नेगेटिव साइकिल की बात करूं तो नेगेटिव साइकिल के लिए V इनपुट लेस देन जीरो, तो बी ए मेरा लेस देन जीरो आ जाएगा, डायोड क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अगर डायोड ऑफ हो जाएगा तो सर्किट देखिए कैसा बनेगा, ये माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस है, नीचे आपके पास माइनस है,
ठीक है जी, डायोड मेरा ऑफ हो गया। और नीचे आपके पास रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, वी इनपुट है, राइट। हाँ मुझे एक चीज बताइए, अगर डायोड मेरा ओपन हो जाएगा तो मुझे एक चीज बताइए, क्या इधर करंट कितना जाएगा, जीरो एम्पियर, इधर से कोई करंट जाएगा, जीरो एम्पियर, तो इसका मतलब इधर करंट कितना होगा, जीरो एम्पियर, तो ड्रॉप अक्रॉस दिस जीरो वोल्ट, ठीक है, तो वी ऑफ नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो वोल्ट, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, ठीक है, ये वी इनपुट हो गया, ये मेरे पास वी ऑफ नॉट आ गया, राइट। तो नेगेटिव साइकिल के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो है, पॉजिटिव साइकिल के लिए इसकी वैल्यू वी नॉट इक्वल टू वी इनपुट आ रही है, ठीक है, तो स्लोप इसकी क्या होगी राजी, वन होगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हो ना, आपके पास V नॉट क्या है, y एक्सेस m इंटू x एक्सेस, तो m की वैल्यू इसके केस में कितनी है राजीव, वन, ठीक है, स्लोप इज वन, ठीक है। तो आपके पास इस टाइप की इसकी वेवफॉर्म बनेगी, ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके हुआ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर थ्री जल्दी से रीड करिए भाई। हा हिस्टेरेसिस टाइप टीटीएल इन्वर्टर इज यूज्ड टू रियलाइज एन ऑसिलेटर इन द सर्किट शोन इन द फिगर। तो आपके पास ये आरएफ गिवन है राजी, कैपेसिटर गिवन है, ठीक है, और बी सैचुरेशन पॉजिटिव आपकी 5 वोल्ट है और यहाँ पे 0 वोल्ट है, राइट, ठीक है जी। इफ द लोअर एंड अपर ट्रिगर लेवल वोल्टेज आर 0.9 एंड 1.7 वोल्ट, द पीरियड फॉर विच आउटपुट इज लो। तो आउटपुट की अगर बात कर रहे हैं भाई, ठीक है, तो आउटपुट आपको पता है क्लियर है भाई, यहाँ पे प्लस माइनस बी सेचुरेशन होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आउटपुट वोल्टेज की बात करूं तो आउटपुट वोल्टेज तो मेरे पास 5 वोल्ट को स्पीरियड के लिए ही रहेगा, फिर मेरे पास 0 वोल्ट रहेगा, ठीक है, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस बी सेचुरेशन में ये वेरी करेगा, ये 5 वोल्ट है राजे, यहाँ पे 0 वोल्ट है, ठीक है जी, ऑलरेडी आपका क्वेश्चन के अंदर ये चीज गिवन है, ठीक है। अब अगर मैं कैपेसिटर वोल्टेज की बात करूँ तो कैपेसिटर वोल्टेज तो आपका कैसे कैसे वेरी करेगा भाई, जल्दी से बताओ, कैपेसिटर वोल्टेज कैसे कैसे वेरी करेगा, आपके पास लोअर एंड अपर थ्रेशोल्ड लेवल आपके पास गिवन है राजी, तो इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पे एक 1.7 की लाइन लगा देता हूँ, ये मान लीजिए मेरे पास 0.9 की मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करूँ, इनिशियली आपका अनचार्ज्ड होगा कैपेसिटर, ठीक है, अनचार्ज्ड है, तो उस केस में देखिए क्या होगा, ये वी ऑफ सी है, ये V of or not है with respect to T है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग से कैपेसिटर आपका चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा, और मैक्सिमम कहाँ पे जाएगा, ये 1.7 है, ये 0.9 है, ठीक है, तो मैक्सिमम आपका यहाँ पे चलेगा, प्लस बीटा बी सेचुरेशन, और ये है मेरे पास माइनस बीटा बी सेचुरेशन, राइट। इसके बाद फिर क्या होगा राजी, आपका डिस्चार्ज होगा, ऐसे जाएगा, फिर आपके पास जो आपकी वेव हमारा जी ऐसे ही वेरी करनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट साइकिल के लिए, राइट। तो ऐसे ऐसे आपका भाई कैपेसिटर वेरी करना स्टार्ट कर देगा, आफ्टर 2 to 5 साइकिल आपको इधर से राइट वाली जो वेव हम है यही दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये मेरे पास टी ऑन का पीरियड हो गया राजी, और नेगेटिव साइकिल जो हम बोलते हैं इसको टी ऑफ का पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, द लोअर एंड अपर ट्रिगर लेवल वोल्टेज आर 0.9 एंड 1.7 वोल्ट, द पीरियड फॉर विच आउटपुट इज लो। तो आउटपुट लो किस पीरियड तक का भाई, जे वाला पीरियड है, ठीक है, मान लीजिए उस पीरियड का नाम मैं बोल दूं T1 पीरियड है, जिसके लिए ये लो है, ठीक है, ये जीरो कंस्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब ये T1 का पीरियड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं कैपेसिटर वोल्टेज की बात करूँ BCT, एक्चुअल में क्या होगा जी, BCT इन्फिनाइट माइनस BC इन्फिनाइट माइनस VC0 नेगेटिव, ये होता है ना e^-t/tau, ओके। तो अगर मैं टाओ की बात करूं तो जी आर है, इसके साथ आउटपुट के साथ कौन चार्ज होगा, जी जे वाला सर्किट बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं टाओ की बात करूं, टाओ इज नथिंग बट RC विच इज इक्वल टू, हाँ जी, 10 × 10^3 × 0.1 × 10^-6, तो मिली सेकेंड में आपको चाहिए आंसर, ठीक है। तो RC की वैल्यू कितनी हो जाएगी राजी, दैट इज इक्वल टू 1 मिली सेकेंड, ये आपके पास टाओ आ जाएगा, ठीक है। तो आपने वो वाला इंस्टेंट निकालना है जिस इंस्टेंट के लिए आपकी आउटपुट लो रहेगी, ठीक है। तो अगर मैं एट t = t1 की बात करूं तो BC t1 की वैल्यू कितनी है राजे, ये वाली वोल्टेज की वैल्यू कितनी है t1, आप देख सकते हो 0.9 है, ओके। और BC इन्फिनाइट आपकी मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी राजे, बोलो,
इस केस में टी ऑफ के लिए है, ठीक है, टी ऑफ के लिए मैक्सिमम आपकी ये जीरो को अप्रोच करेगी, ठीक है, तो मैक्सिमम आपकी क्या होगी, ये जीरो वोल्ट होगी। जीरो वोल्ट कैसे आया, क्योंकि ये आपकी जो थ्रेशोल्ड सॉरी माइनस बी सेचुरेशन है, दैट इज जीरो वोल्ट, राइट। अगर इस टी ऑन पीरियड के लिए हाई वोल्टेज के लिए हम बोलते तो ये मैक्सिमम कहाँ तक जाता, आपका 5 वोल्ट तक जाता, ठीक है। लेकिन आप ये पूछा इसके लिए है तो इसका मतलब बी इनफिनाइट की वैल्यू कितनी होगी, 0 वोल्ट, ठीक है। और अगर कोई पूछे बी सी 0 नेगेटिव, वो वाला जे वाला इंस्टेंट आ जाएगा आपका स्टार्टिंग वाला, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है इसकी, 1.7 से, ठीक है। चलिए तो बी सी टी की वैल्यू कितनी हो रहा जी, 0.9 है, बी सी इनफिनाइट 0 है, 0 माइनस 1.7 e की पावर माइनस टी बाई टाउ की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू 10 पावर माइनस 3, और t की वैल्यू कितनी आ गई, टी नॉट, राइट। मिली सेकेंड ने निकाला था ना जे वाला, जे टाउ, ठीक है, ओके हुआ जहां तक, बिल्कुल ओके हुआ सर। चलिए तो 0.9 इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, 1.7 e की पावर माइनस 1000 टी नॉट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, तो जी मेरे पास हो जाएगा माइनस 1000 टी नॉट इक्वल टू एल एन 0.9 डिवाइड बाई 1.7, ठीक हुआ। तो इसका भाई जल्दी से निकालो भाई, 0.9 डिवाइड बाई कर देंगे 1.7, जो भी इसका आंसर आ जाएगा उसका हम ले लेंगे एल एन, ठीक है। तो एल एन हम यहाँ पे ले लेंगे, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा राजे माइनस 1000 टी नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस 0.635, ठीक है। तो टी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 0.635 डिवाइड बाई 1000, तो 1000 का क्या हो जाएगा राजे, मिली सेकेंड, तो 0.635 मिली सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। बोलो डिफिकल्ट था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। तो बस ये कैपेसिटर की जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आपको पता होनी चाहिए, ये मैक्सिमम बीटा वी सेचुरेशन तक जाएगा, मीन्स अपर थ्रेशोल्ड तक, और मिनिमम लोअर थ्रेशोल्ड तक जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेनेशन आपकी इसकी कर चुके हैं, ठीक है, ओके हुआ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं भाई। द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर शोन इन द फिगर, ठीक है। तो ये मेरे पास दो सर्किट भाई आपके पास गिवन है, ठीक है। हमने इसका क्या कैलकुलेट करना है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कैलकुलेट करनी है ना, ठीक है। तो इसकी हमें ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, ठीक है। तो कर दें भाई सॉल्व, बिल्कुल सर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, कर दूंगी या मैं सॉल्व करूँ, बोलो मैं कर दूँ, चलो मैं कर देता हूँ भाई सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट सर्किट को हम कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है जी, बोलो क्लियर है। तो ये रेजिस्टेंस भी मेरे पास मान लीजिए आर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए, पहले तो देखो सर्किट कौन सा आपके पास, ये तो नेगेटिव फीड वाला सर्किट है ना, ठीक है। तो मैक्सिमम यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी राजे, 0 वोल्ट, और यहाँ पे भी कितनी होगी, 0 वोल्ट, ठीक है, ऐसे ही है, बोलो, बिल्कुल सर ऐसा ही है, जी मेरी इनपुट वोल्टेज होगी, ठीक है। तो अगर मैं कंडीशन लगा दूं, इफ वी आई इज मोर देन 0, हाँ जी, वी आई जब मोर देन 0 हो जाएगा तो आपको क्लियर होना चाहिए राजे, जे जहाँ पे जो टर्मिनल है इसको वोल्टेज अज्यूम कर लो राजे वी ए, तो वी ए की वो वोल्टेज है राजे, क्योंकि हम जब कंपैरेटर सर्किट कर रहे थे तो इसी के ऊपर तो कर रहे थे, ठीक है। तो इसकी वोल्टेज जो जे यहाँ से निकल रही है ना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी राजे, माइनस वी सेचुरेशन आ जाएगी, ठीक है। तो वी ए मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस बी सेचुरेशन आ जाएगा, ठीक है। माइनस बी सेचुरेशन तो नहीं बोल सकते क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है, तो मींस कुछ ना कुछ आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी, मींस आप ऐसा बोल सकते हो लेस देन 0 है, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव वोल्टेज आ जाएगा राजे यहाँ पे अगर नेगेटिव वोल्टेज आ गया, तो इसको मैं डायोड D1 बोल देता हूँ, इसको डायोड D2 बोल देता हूँ, ठीक है। तो नेगेटिव के साथ जो आपका D1 डायोड है ये तो ऑन हो जाएगा, लेकिन D2 डायोड है जो क्या हो जाएगा राजे, मेरा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अगर ये डायोड मेरा ऑफ हो गया राजे, क्या मैं यहीं पे कर दूं, यहीं पे कर देते हैं, अगर ये ऑफ हो गया और इसको मैं ऑन करवा देता हूँ, ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे करंट कोई आई जा रहा है, तो करंट इधर तो 0 एम्पियर नहीं जाएगा, इधर आई जाएगा, और यहाँ से शॉर्ट सर्किट मिल जाएगा, पूरा का पूरा आई आपका इधर चला जाएगा, और इधर कितना जाएगा, 0 एम्पियर। अगर इधर 0 जाएगा, ठीक है, तो इधर भी 0 जाएगा, इधर भी 0 पहुंचेगा, और लास्ट पे आपके पास यहाँ पे जो ड्रॉप होंगे राजे, वो भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, करेक्ट हुई इतनी बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जो मेरी आउटपुट वोल्टेज आएगी राजे, वो मेरे पास इस केस में क्या आएगी राजे, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज फॉर दिस इज 0,
ठीक है। अब दूसरा केस लेके चलते हैं, इफ अगर वी आई मेरा लेस देन जीरो हो जाए, ठीक है, तो उस केस में वी ए मेरा क्या हो जाएगा, मोर देन जीरो हो जाएगा। वी ए अगर मोर देन जीरो है मीन्स जे पॉजिटिव है, तो जे मेरे पास शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और जे क्या हो जाएगा राजी, ओपन सर्किट। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं जो डी वन है जे ऑफ हो जाएगा और जो डी टू है राजी जे क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही जे ऑन होगा तो मेरी जो आउटपुट है वो आएगी कुछ ना कुछ, बिल्कुल, क्योंकि जे आपस में कनेक्ट हो गया राजी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जीरो वोल्ट और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जीरो वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए वोल्टेज मेरी कितनी है, वी ऑफ ए है। ठीक है, तो यहाँ पे हम केसीएल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, किस नोड पे, इस वाली नोड पे। ठीक है, तो अप्लाई करो जल्दी से, कितना होगा ये देखो, कितना होगा, जीरो माइनस वी आई डिवाइड बाई आर प्लस जीरो माइनस वी ए डिवाइड बाई आर। ठीक है, तो लिखो कितना होगा, तो जीरो माइनस वी आई डिवाइड बाई आर प्लस जीरो माइनस वी ए डिवाइड बाई आर इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, तो उसका मतलब वी ए दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी आई आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे जो मेरे पास वोल्टेज है राजी, मैं यहाँ पे अलग कलर के पेन के साथ दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो वोल्टेज है मेरे पास क्या आ गया, माइनस वी आई। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम वर्चुअल शॉर्ट सर्किट का कंसेप्ट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे करंट जीरो एम्पियर है, तो वोल्टेज कितनी होगी, जीरो वोल्ट, और यहाँ पे भी कितनी होगी, जीरो वोल्ट होगी। ठीक है जी, तो अब इस वाले पॉइंट पे हम केसीएल अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो बताओ कितना होगा, जीरो माइनस बी ए डिवाइड बाई आर, जीरो माइनस बी नॉट डिवाइड बाई आर। ठीक है, तो देखिए कितना होगा, तो जीरो माइनस बी ए डिवाइड बाई आर प्लस जीरो माइनस बी नॉट डिवाइड बाई आर इक्वल टू जीरो। तो बी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ बी ए। ठीक है, और वी ए की वैल्यू कितनी हमने निकाली थी राजे, दिस वन माइनस ऑफ वी आई। ठीक है, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे, प्लस वी आई। तो वी नॉट डिवाइड बाई वी आई की जो रेशियो हो जाएगी, इसका गेन कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें क्या बताया था भाई, ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स। तो अगर मैं पॉजिटिव साइकिल की बात करूं, पॉजिटिव साइकिल में कितना आ रहा है, यहां से देखते हैं भाई, पॉजिटिव साइकिल में ये जीरो आ रहा है, ये इनपुट वोल्टेज है, ये मेरा आउटपुट वोल्टेज है, तो पॉजिटिव साइकिल के लिए जीरो आ रहा है, ये जीरो आ गया। ठीक है, और नेगेटिव साइकिल के लिए क्या है राजी, आपके पास स्लोप क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, स्लोप पॉजिटिव का मतलब क्या है, कि ऐसे जा रहा है ना, इधर से अगर मैं ऐसे बना दूंगा तो इधर तो स्लोप मेरी नीचे को आ रहा है, मींस नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो स्लोप मुझे दिखानी है पॉजिटिव, पॉजिटिव मुझे दिखानी पड़ेगी इस तरफ, क्योंकि ऐसे ही जाएगा ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव साइकिल, राइट। और ये जो मेरे पास स्लोप आएगी राजी इसकी, ये स्लोप क्या आएगी, माइनस वन। ठीक है, स्लोप ऑफ दिस क्या आ जाएगा, माइनस वन। ओके, हो गया भाई जहां तक, बोलो। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, जे है, ऑप्शन सी। ठीक है, यहां से चलेगा और यहां से खत्म होगा। ठीक है, यहां पे तो स्लोप नेगेटिव है, फिर जीरो हो रही है। ठीक है, इधर क्या, पहले स्लोप जीरो फिर पॉजिटिव हो रही है। ठीक है, लेकिन हमारे पास पॉजिटिव साइकिल के लिए आपकी आउटपुट वोल्टेज कितनी आ रही है, जीरो वोल्ट आ रही है। ठीक है, तो ये भाई आपका बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट आपको बताया गया है बस उसी के ऊपर ही फोकस करना है, उससे ज्यादा आपने कुछ भी सोचना नहीं है। ठीक हुआ, बढ़े आगे चलिए। तो क्वेश्चन नंबर फाइव और देखते हैं भाई, फॉर द सर्किट शोन बिलो द ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स इज। तो ये सर्किट आपके पास भाई, और ये आपके पास भाई आपकी ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स गिवन है, राइट। तो अगर मैं पहले की बात करूं, पहले तो आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है और यहाँ पे आपका स्मिथ ट्रिगर लग गया है। ठीक है जी, बोलो जी। तो यहाँ पे जो मेरे पास वी इनपुट इसका मिलेगा वो मेरा इधर से आ रहा है। ठीक है जी, चलिए तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेनी है। मान लीजिए ये वोल्टेज V1 है, ये वोल्टेज V ऑफ 2 है, तो VI की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 माइनस V2। ठीक है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जो मेरी वोल्टेज होगी, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देते हैं, तो B2 बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं बार बार नहीं सॉल्व करके दिखा रहा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, B2 बाई 2 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं राजी, बोलो, KCL अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो KCL अप्लाई कैसे करेंगे, B2 बाई 2 माइनस V1, B2 बाई 2 माइनस बी एन डिवाइड बाई आर, वो तो रहेगा ही। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, बी टू डिवाइड बाई टू माइनस बी वन डिवाइड बाई आर प्लस बी टू बाई टू माइनस बी इनपुट बोल दिया उसको मैंने, डिवाइड बाई आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, बी टू बाई टू माइनस बी वन प्लस बी टू बाई टू माइनस बी इनपुट इक्वल टू जीरो। तो बी टू और बी टू कितना हो जाएगा, बी टू सिंपल, क्योंकि हाफ हाफ था ना, और ये उधर जाके मेरा V ऑफ इन हो जाएगा। ठीक है, तो V इन की वैल्यू क्या आ जाएगी राजे, जल्दी से बताओ फटाफट। तो V2 माइनस V1 की वैल्यू क्या है, यहां से निकाल देते हैं भाई,
ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी राजी, बोलो माइनस ऑफ कितनी बोली गिवन है आपके पास, वी आई, ठीक है वी आई, ठीक है। इसको आप ऐसा बोलिए, इसको कोई वोल्टेज और दे दो भाई, क्योंकि इनपुट वोल्टेज तो वही रहेगी ना, इसको वी ऑफ ए मान लो, ठीक है। तो वी इन की जगह पे मैं वी ऑफ ए लिख लेता हूँ, ठीक है, वी ऑफ ए है। तो इसका मतलब क्या हुआ राजे, आपको नेगेटिव वोल्टेज ऑफ वी ए मिल रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से वैसे कंडीशन लगाऊं, ठीक है, कंडीशन देखिए क्या होगी, ठीक है। तो ये मेरे पास सिमेट्रिकल सर्किट रहेगा, ठीक है, इसको मैं नीचे ड्रॉ कर लूँ समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि पहले सर्किट का तो आपने रिस्पांस ले लिया है, ठीक है। अब बात हमारी चलेगी बस इसकी, सर्किट देख लो भी कैसा बना हुआ है। जी ऐसे करके आपके पास भाई सर्किट बना हुआ है, ठीक है। इसको आपने ग्राउंड कर दिया, जी आर है, जे भी आर है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट की वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं ना जी, वी ऑफ एफ बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, वी ऑफ ए है, देखो ऐसा ही है भाई, बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल ओके हो गया। तो आपके पास ये सिंपल सिमेट्रिकल सर्किट बन गया भाई, ठीक है। अब तो जैसे सिमेट्रिकल का आपने केस किया था वैसे का वैसे हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताइए, जो वी ऑफ एफ है ना, वी ऑफ एफ की वैल्यू क्या होगी, ये तो आपको कन्फर्म होना चाहिए ना। तो आर डिवाइड बाई आर प्लस आर इंटू वी नॉट, तो वी ऑफ एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे, 1/2 ऑफ वी नॉट, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, वी एफ से हम अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज और लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो वी एफ मीन्स अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज की अगर मैं बात करूं, तो वी नेट को क्या पुट कर देंगे, प्लस वी सेचुरेशन, और प्लस वी सेचुरेशन की वैल्यू कितनी है, 12, तो कितना आ जाएगा भाई, प्लस 6 वोल्ट, राइट। लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना होगा, वी एफ की में वी नॉट की जगह पे क्या लिख देंगे, माइनस वी सेचुरेशन, माइनस वी सेचुरेशन है माइनस 12/2, दैट इज इक्वल टू माइनस 6 वोल्ट, राइट। बोलो जी ओके हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। अब जो मेरा कंपैरिजन होगा इनके साथ ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास इनपुट वोल्टेज कौन सी है, यहाँ पे वी ऑफ ए है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे राजे, अगर वी ए मेरा मोर देन 6 वोल्ट होगा, ठीक है, मींस मोर देन वी ऑफ एफ होगा, तो उस केस में क्या होगा। और ये जो वी ऑफ ए है इसकी वैल्यू कितनी है राजे, माइनस ऑफ वी आई है। अगर ये मोर देन 6 है मीन्स वी आई लेस देन क्या हो जाएगा, माइनस 6 वोल्ट, राइट। हाँ मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आपको सिमेट्रिकल सर्किट याद है, अगर उसकी वैल्यू मोर देन अपर थ्रेशोल्ड से जाती थी, वो स्विच कहाँ से कर जाता था भाई, प्लस बी सेचुरेशन टू माइनस बी सेचुरेशन। ऐसे ही जब उसकी वैल्यू माइनस बीटा बी सेचुरेशन से कम होने की कोशिश करती थी, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती थी, प्लस बी सेचुरेशन। इसका मतलब वी आई की वैल्यू अब माइनस बीटा बी सेचुरेशन से कम हो रही है, इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज होगी इस केस में क्या आएगी राजे, प्लस बी सेचुरेशन आएगी, राइट। ओके हुआ, तो प्लस बी सेचुरेशन आपके पास आएगा, ठीक है। ऐसे ही इफ बी ए मेरा लेस देन जाने की कोशिश करेगा, किससे, माइनस 6 से, ठीक है, लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है। लेकिन वी ए की जो वैल्यू है मेरे पास राजे, वो क्या है, माइनस ऑफ कितना, V of I that is less than minus 6 means V I की वैल्यू क्या हो जाएगी, more than 6, तो more than 6 जाने की कोशिश करेगी, तब जी मेरे पास V not की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो जल्दी से, प्लस B saturation, ठीक है। तो इसी का हम यूज करके भाई यहाँ पे आपकी फिगर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, ये मेरे पास इनपुट है, ये मेरे पास क्या है, आउटपुट है, ठीक है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हैं भाई, तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, इसका अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक हुआ। जैसे ही ये 6 वोल्ट से ज्यादा होगी, ठीक है, 6 वोल्ट से ज्यादा होगी, यहाँ पे देखिए आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी, प्लस बी सेचुरेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चल रहा हूँ मैं प्लस बी सेचुरेशन, यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ माइनस बी सेचुरेशन। इसका मतलब 6 पॉइंट पे जाते ही इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस बी सेचुरेशन होगी। क्लियर है भाई पॉइंट, बोलो, बिल्कुल ओके है सर। लेकिन जैसे ही वैल्यू इसकी ऊपर से देखें, यहाँ से देखें, माइनस 6 से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। माइनस 6 से कम का मतलब है किधर को जाएगी राजी, ये माइनस 6 से कम का मतलब है, जब ये वैल्यू मेरी माइनस 6 से कम इधर को जाएगी, तो वैल्यू कितनी है, प्लस बी सेचुरेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा राजे, वो इस टाइप का ही बनेगा, राइट। तो ऐसे ही जाएगा, ठीक है।
हाँ जी, लेकिन -6 से जैसे जैसे जितनी टाइम ज्यादा रहेगी तो इसकी वैल्यू कहाँ पे पहुंचेगी राजी? -B सेचुरेशन तक रहेगी। ठीक है, बोलो ओके है भाई। हाँ जी बिल्कुल ओके है सर। जब -6 से कम रहेगी, कम का मतलब जब इधर जाएगी तो ये -B सेचुरेशन रहेगा। ठीक हुआ, लेकिन जैसे ही आपके पास वैल्यू मेरे पास 6 से ज्यादा होगी तो आपके पास +B सेचुरेशन रहेगा। ठीक है, जे वाली कंडीशन से अगर 6 से कम है तो इसका मतलब -B सेचुरेशन रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ तो 6 से कम है तो ये -B सेचुरेशन रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो ग्राफ है वो ऐसे मूव करेगा, राइट? तो इसका मतलब ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो जे भाई मेरे पास इसका इक्वेशन बनेगा, राइट? क्लियर अभी पॉइंट? चाहे आप इसको इनपुट वोल्टेज के साथ कंपेयर कर लो, ठीक है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल के साथ कंपेयर कर लो, चाहे आप अपर और लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज के साथ कंपेयर कर लो, तो ग्राफ आपका इस टाइप का बनेगा। ओके हुई मेरी बात? बोलो क्लियर? क्योंकि कंडीशन लगी ना, तो 6 से अगर ज्यादा है, वी इनपुट अगर मेरा 6 से ज्यादा है, उस केस में वी आउटपुट क्या होगी? +B सेचुरेशन। अगर 6 से कम है तो क्या होगा? -B सेचुरेशन। ऐसे ही अगर वी इनपुट मेरी -6 होगी तो +B सेचुरेशन, अगर वी आई मेरा -6 होगा तो -B सेचुरेशन। ठीक है, तो ये चीजें भाई आपकी वेरी करेंगी। ठीक है, ओके हुआ? तो इसके हिसाब से आप भाई अपना ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपके पास ऑप्शन गिवन है राजे, उस ऑप्शन में से देख लो भाई आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा भाई? ऑप्शन D। हाँ, ऑप्शन डी आपका भाई मैच कर जाएगा। ओके, अदरवाइज जैसे हमने स्मिथ ट्रिगर का सर्किट किया था, आप उसके साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे का वैसा यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसमें स्मिथ ट्रिगर में हमने क्या किया था, आउटपुट वोल्टेज के साथ फिर हमारा जो कंपैरिजन होता था वो -B सेचुरेशन के साथ होता था। ठीक है, अब बीटा सेचुरेशन को हमने कैलकुलेट कर लिया, वो 6 और -6 आ गया, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको वेरी करवा दिया। ठीक है, बस उसमें डिफरेंस और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें इनपुट वोल्टेज नेगेटिव आ गया। ठीक है, उसकी वजह से आपका सनारियो जो उस केस में किया था उसे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में अगर मैं वेवफॉर्म की बात करूं, जे वाला जो वेवफॉर्म था राजे, आई थिंक आपका जे बना होगा, ये चीज आपकी इधर लगी होगी। ठीक है, ये चीज आपकी नहीं बनी थी। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट? ओके, तो इस टाइप के अगर भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।